अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा। तो आज है हमारी क्लास नंबर 4। ट्रकिंग का जो मेन टूल है डेट, डेट पावर भी कह सकते हो आप, डेट वन भी कह सकते हो, ट्रकर एच भी कह सकते हो, इसके डिफरेंट नेम है, लेकिन मेन जो नाम है इसका डेट। आप इसको कैसे यूज कर सकते हो? अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप ट्रकिंग में काम नहीं कर सकते। 90% इसका रोल है ट्रकिंग में। तो खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आप कौन कौन सी वाली यहाँ पर टर्म यूज कर सकते हो, और मोस्टली मैं कौन सी वाली यूज करता हूँ। ट्रकर एज यूज करता हूँ। टेट एक वेबसाइट है, एक एक्सटेंशन है, एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, आप जो मर्जी कह लो। ट्रकिंग में इसका मेन रोल है। अगर आप ये नहीं लेते तो आप ना तो लोड बुक कर सकते हो, आप ना शिपमेंट ले सकते हो, ना आप करियर फाइंड कर सकते हो, ना आप अच्छा पैसा बना सकते हो। ये लेना जरूरी है, इसीलिए मैंने कहा था अपनी जेब में 200 से 250 डॉलर लाजमी रखना, और 600 से 700 डॉलर कंपनी का रखना। उसके बाद आप घर बैठ के अपना काम चला सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास ट्रकर एज, डेट वन वेब और डेट पावर की एक्सेस है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। और कैसे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो मेन मेन जो रोल है वो कौन कौन से हैं। एक करियर का रोल है, एक ब्रोकर का है, और एक शिपर का है। करियर जैसे कि TCS, FedEx, उनके लिए डेट वन अच्छा रहेगा। कौन से वाला? डेट वन प्रो बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप ये वाला बाय कर सकते हो। और जो यानी कि FedEx, TCS, इनमें क्या होता है, डेट वन में आप लोड बुक कर सकते हो, आप ट्रक जो है वो सर्च कर सकते हो, और उसके अलावा आप इसमें मल्टीपल चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। इस ट्यूटोरियल में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि मैं कैसे यूज करता हूँ और क्या हिसाब किताब है। ठीक है, अच्छा, करियर का काम होता है यानी कि जिसमें मल्टीपल लोग जो है अपने ट्रक्स ऑफर करती हैं और अपनी सर्विसेज देती हैं, और एक बंदा जो है वो एज अ करियर किसी, अब मैं हूँ, मुझे पता है मेरे पास सारी कंपनीज का डाटा पड़ा हुआ है, TCS का है, FedEx का है, DHL का, सपोज कर लो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। और मेरे पास एक बंदा ऑर्डर लेके आता है कि यार मुझे चीप वे में सर्विसेज चाहिए और 2 दिन में मेरा इतना माल इस जगह पे पहुंचा दो, तो मैं यहाँ से करियर फाइंड करूंगा, मेरे लिए जो बेस्ट रहेगा मैं कॉल मिलाऊंगा, उससे पैसे पकड़ लूंगा और उससे रेट वगैरह जो है वो फाइनल करके काम अपना एंड कर दूंगा। ठीक है, ये एक मैंने आपको करियर की एग्जाम्पल जो है इजी वे में समझा दी। अच्छा, अगर आगे हम लोग आए ब्रोकर वाली साइड पे, ब्रोकर कौन होता है? जिसके पास डेटा काफी सारा अवेलेबल होता है, जिसको जिसके पास शिपर की लाइन लगी होती है। शिपर्स कौन होते हैं? जो कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, यानी कि आपका माल शिप करते हैं। करियर और शिपर में क्या फर्क है? करियर जिसमें मल्टीपल ट्रक्स जो हैं वो सर्विसेज देते हैं, जिसमें आप मल्टीपल लोग फाइंड कर सकते हो, और शिपर वो है जो जगह से जगह चेंज होता है। मतलब एक बंदा हो सकता है, या एक ट्रक वाला हो सकता है, दो ट्रक वाला हो सकते हैं, तीन ट्रक वाले हो सकते हैं। ठीक है, एक कंपनी नहीं होती इसमें, शिपर में, शिपर में 2, 3 या 4 पर्सन होते हैं। ठीक है, और आपस में ही वो वायदा कर लेते हैं और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अब शॉर्ट टर्म में मैंने आपको समझा दिया, एक ब्रोकर के पास करियर्स का डाटा भी होता है, शिपर्स का भी होता है। शिपर कौन होता है? रॉ मटेरियल, मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज बनानी है, आपने रॉ मटेरियल भेजना मैनुफेक्चरर के पास फ्लोरिडा से टेक्सास में, आपने एक शिपर को फोन मिलाया, यहाँ से आपने शिपर्स का डाटा निकाला, जो जो लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं इंटरनली आप उनको फोन मिलाते हो कि हाँ भाई टेक्सास में मैंने इतना माल पड़ा हुआ है, इस जगह पे पहुंचाना है, तो आप काम करोगे, वो आपसे रेट आप डन कर लेते हो। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, जब आप इसके ऊपर मजीद काम करोगे आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्सास से फ्लोरिडा में भेजना है, मैं उसको सारी रिक्वायरमेंट बताऊंगा, वो मेरे सामने रेट रख देगा, रेट के हिसाब से मैं नेगोशिएशन करके अपना जो सामान है उससे रॉ मटेरियल से मैनुफैक्चर तक पहुंचा दूंगा। अब मैनुफैक्चर, अब ब्रोकर का काम होता है कस्टमर तक पहुंचाना, सपोज कर लो। अब थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ आपको समझाने की। रॉ मटेरियल भेजना है मैन्युफैक्चरर के पास टेक्सास से फ्लोरिडा में, शिपर ने पहुंचा दिया। अब यहाँ से शिपर चेंज होगा मैन्युफैक्चरर से आगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, कौन होगा मैन्युफैक्चरर? खुद शिपर होगा। अब मैन्युफैक्चरर ने कोई अच्छे वाले रेट्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, उसका डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होगा ब्रोकर के साथ, तो उसका काम आसान हो जाएगा। अगर मैन्युफैक्चरर के पास ब्रोकर नहीं है तो उसको इधर उधर भटकना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा चार्जिंग लगा रहा हूँ। अच्छा, अगर तो मैन्युफैक्चरर का कॉन्टेक्ट होगा ब्रोकर के साथ, तो उसके लिए इजी होगा। अब ब्रोकर जो है उसको बताएगा, हाँ भाई तुम्हारे पास माल आ गया, अब तुम आगे भेजो, शिपर आ रहा है, तुम अपना यानी कि जो सामान है डिस्पैचर, एज अ डिस्पैचर के तौर पे आप इसको उसमें लोड करवा दो। लोड वाले भी काफी सारे बंदे होते हैं। शिपर जो है, ये टर्म मैं आपको कल समझा चुका हूँ, आपके लिए बेस्ट होगा। आप कल वाला लेक्चर देख लो, स्टार्ट नंबर 1 लेक्चर से देखो, फिर आपको समझ आएगी, वरना ये लेक्चर देखना फजूल है आपके लिए। अच्छा,
शिपर ने वहां से सामान उठाया, आगे शिप कर दिया। किसके पास? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ठीक है, अब ब्रोकर का काम है रॉ मटेरियल से लेके कस्टमर तक पहुंचाना। कस्टमर कौन है? जो कि डिमांड कर रहा है कि मेरे पास प्रोडक्ट बिल्कुल मैन्युफैक्चरर और तैयार हो के आए और पैकेजिंग में हो। पैकेजिंग कौन करेगा? बनाएगा मैन्युफैक्चरर। पैकेजिंग करेगा कौन? डिस्ट्रीब्यूटर करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर फिर आगे कोई रिटेलर भी हो सकता है उसके पास से, कोई कस्टमर भी हो सकता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ब्रोकर के पास सारों का डाटा होगा, वो सबको फोन करेगा, वो कहेगा हाँ भाई ये शिपर आ रहा है, ये शिपर आ रहा है, ये शिपर आ रहा है। आपके पास शिपर चेंज होता जाएगा। ठीक है, पहले रॉ मटेरियल वाला वो शिपर के तौर पे काम कर रहा था, फिर मैन्युफैक्चरर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक मैन्युफैक्चरर ने एज अ शिपर काम किया। ठीक है, और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर से आके कस्टमर तक। ये थोड़ी सी टर्म आपको मैंने समझाने की कोशिश की, अगर नहीं समझ आई तो कल वाला लेक्चर देख लो या आप इसे मजीद गूगल कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने आपको जो जिस एग्जाम्पल के तौर पे समझाया आपको समझ आ चुकी होगी। अब ये अगर आपको आइडिया नहीं ना इन तीन टर्म्स का, तो आप ट्रकिंग में काम नहीं कर सकते। मैंने आपको समझा दिया। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास ब्रोकर के तौर पे कौन सी वाली सब्सक्रिप्शन होती है? ये वाली होती है। ठीक है, ये वाली। और उसके अलावा अगर मैं आपको आगे लेकर चलूँ, अगर कॉम्बो पैक चाहिए जिसमें करियर भी आपके पास होता है, मतलब कि डेट वन की एक्सेस भी होती है आपके पास, और उसके अलावा आपके पास ब्रोकर की एक्सेस भी होती है, तो ये वाला मेरे पास है। मैंने इसीलिए कहा था $250 अपनी जेब में लाजमी रखना। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो उसामा हफीज के नाम से। मैं आपको आईडी भी दिखा देता हूँ अपनी। खैर, इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये ओपन होने दो आप। अब मैं ये आपको लेकर आया हूँ डेट वन, या पावर डेट भी आप इसे कह लो, इसके डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? लोड बुक कर सकते हो, आप रेट्स देख सकते हो। अच्छा, आप ऑन बोर्ड जो है वो देख सकते हो कि क्या कुछ हमें मिल रहा है। और डेट वन का अगर आपने अलग से देखना है डैशबोर्ड, तो वो आप यहाँ पर देख लो। ये है डेट वन, डेट वन फ्रीट। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे कैपेसिटी आपको कम मिल रही है। जहां पर आपको कम मिल रही है, आप मिसाल के तौर पे एक बंदे ने ऑर्डर लगाया मुझे कि यार सामा चेक करो फ्लोरिडा में कि कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है। ठीक है, वहां पर फुल तो नहीं है, तो मैं यहाँ पर आप आकर देखूंगा कि यहाँ पर आउट जो है वो 674, मतलब कि यहाँ पर कैपेसिटी तकरीबन इक्वल है। मैं यहाँ पर इजीली लोड फाइंड कर सकता हूँ, अच्छी सर्विसेज फाइंड कर सकता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, अगर जहाँ पर आपको लाइन फुल नजर आ रही है वहां पर आप नहीं कर सकते, वहां पर आपको रेट हाई मिलेंगे, आप वहां पर नहीं फाइंड कर सकते। अब यहाँ पर हमें मेन जो हमारा काम होता है लोड सर्च करना होता है, मे बी कोई बंदा सर्विसेज दे रहा हूँ, और हमें ट्रक सर्च करने होते हैं। ज्यादा हमारा होता है यानी कि ट्रक फाइंड करना। ट्रक कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ यहाँ पर, कोई बात समझना है तो घबराना नहीं है आपने। जस्ट ट्यूटोरियल है, समझाने का जो तरीका है वो अलग होगा, उसके लिए अलग लेक्चर होगा, लेकिन ये एक ट्यूटोरियल है कि डैट होता क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, अब इतनी इंफॉर्मेशन भी ट्रकिंग में मेरे हिसाब से, मैंने यूट्यूब पे अगर कोई फाइंड किया कोई पाकिस्तानी भाई, मेरे हिसाब से कोई एक दो थे, लेकिन मुझे उनकी खास समझ नहीं आई। फिर मैंने सोचा मैं इससे बेहतरीन और अच्छा कंटेंट बनाऊं। अच्छा, मेरे सामने डेट आई क्यू ओपन है, यहाँ से मैं मैप के ऊपर देख सकता हूँ कि कहाँ पर कैपेसिटी अप है, कहाँ पे कैपेसिटी लो है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे एक बंदे ने ऑर्डर किया फ्लोरिडा का, तो मैं यहाँ पर आकर देखूंगा कि भाई यहाँ पर कैपेसिटी लो है या कैपेसिटी ज्यादा है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँ, ये देखो वेरी लूज कैपेसिटी अवेलेबल। किसमें? ये कोई स्टेट का, मेरी थोड़ी सी आई साइट वीक है इसलिए मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा होगा 44%, जो कि वेरी लो कैपेसिटी है, लूज कैपेसिटी है। यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो रेट्स वगैरह, अगर आपको कोई फाइंड करना है, कोई ट्रेलर फाइंड करना है, कोई वैन फाइंड करनी है आपको, कोई रीफर या फ्लैट बेड इस तरह से, लेकिन वैन का यहाँ पर बताया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो ये डेट वन फ्रीट, अच्छा ये भी वही खोला है। खैर हाँ, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ट्रक जो हम लोग सर्च करते हैं, मेरे पास ऑर्डर आया कि आपने न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया में भेजना है, तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिखोगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिखोगे कि कितने माइल्स आपको चाहिए, 150 माइल, 200 माइल, DHO। ये ट्रकिंग की एक टर्म है, आप इसको शॉर्ट वेज में कह लो कि एक जो आपका डिस्टेंस बनता है कि, अब देखो ना मिसाल के तौर पे न्यू जर्सी से लेके कैलिफोर्निया तक सपोज कर लो 120 का जो है वो डिस्टेंस बनता है।
तो मैं यहाँ पर 150 लिखूंगा ताकि मुझे कोई सही रेट वाला मिल जाए, सही काम करने वाला मिल जाए। मैं यहाँ पर जब मैंने सर्च किया तो यहाँ पर डिफरेंट जो है वो मुझे नजर आ रहे हैं, जो जो लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कंटेनर चाहिए कंटेनर, मैं यहाँ पर कंटेनर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे टैंकर चाहिए तो मैं टैंकर के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे वैन चाहिए तो मैं वैन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब मैं करूंगा इसको सर्च अच्छे रिजल्ट देखने के लिए। अब मैं पता, अब ये हम मैं दोबारा से आपको बताता हूँ ये क्या होती है ट्रैकिंग। बहुत सारे लोग जगह जगह पे भूल जाते हैं। खैर, अब मैं ये सर्च कर रहा हूँ, मेरे पास एक बंदे ने लोड जो है वो भेजा है और उसने कहा कि सामान ट्रक फाइंड करो, न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया में भेजना है, मैंने कोई कंटेनर फाइंड कर दो, कोई वैन फाइंड कर दो जो कि इतना डिस्टेंस कवर करे, और हमें फास्ट सर्विसेज चाहिए, और आप अच्छी कंपनी भी यहाँ से फाइंड कर सकते हो। यानी आपको कंपनीज का डाटा नजर आ रहा होगा, फोन नंबर दिया हुआ है और वेयर हाउस एंड ट्रकिंग लॉजिस्टिक्स के नाम से है, ठीक है। यहाँ पर आपको कंपनी का नाम ऊपर नजर आ रहा है, नीचे उनका फोन नंबर नजर आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब देखो, मैंने सिर्फ 3 चीजें क्लिक किया और कितने लोग मेरे सामने आ गए, अवेलेबल 2x3, अवेलेबल 2x28, ठीक है, और ट्रिप कितना है। अब देखो यहाँ पर ये फिलहाल वो यहाँ पर ये आप खुद से, ये जब मैं आपको समझाऊंगा ना पूरा इसका कवर करवाऊंगा ये चीज, तब आपको बेहतरीन आइडिया होगा। खैर, अभी आप ट्यूटोरियल देखो बस। अच्छा, यहाँ पर आपको मिल जाता है कि कितने पाउंड्स वो कैरी कर सकता है, 24 फीट। अब जो ट्रेलर होते हैं, कल मैंने आपको बताया था LTL, PTL और उसके अलावा फुल FTL, फुल ट्रक लोड, LTL लेस देन ट्रक लोड, और उसके बाद एक होता है PTL पार्शियल ट्रक लोड। आप यहाँ से फुल ट्रक भी कर सकते हो फिल्टर आप लगा के, और आप PTL भी कर सकते हो, LTL भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं फुल के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है, ये देखो ट्रक डिटेल फुल पार्शियल, कौन सी करनी है आपको, लेंथ कितनी फाइंड करनी है आपको, विड्थ कितनी फाइंड करनी है, वेट कितना, सॉरी। अच्छा, उसके बाद सच ट्रक 24, यानी कि जो एज कितनी एज, अभी कुछ देर पहले इन्होंने अपलोड किया डाटा, ये एज इसे हम कहते हैं। कंपनी जो है, कंपनी का आप यहाँ पर अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जो कंपनी आपको अच्छी लगे। मेरे पास काफी कंपनीज का डाटा पड़ा हुआ तो मैं यहाँ से फिल्टर कर सकता हूँ उनको। अब आपको ये सारा आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह से हम लोग लोड लेते हैं, किस तरह से हम लोग जो ट्रक है वो फाइंड करते हैं। अगर आपको लोड सर्च करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। अगर आपको ट्रैकिंग का काम करना है तो इस टूल के थ्रू आपको पहले काम करना होगा। इस टूल के थ्रू अपने अच्छे कनेक्शन बना लो, कॉन्टेक्ट बना लो, उसके बाद फिर ये टूल अगर जाता है भाड़ में जाए, आप कॉल्स मिलाते रहो ड्राइवर्स को, हाँ भाई अवेलेबल हो, भाई कहाँ पे हो, ये न्यू जर्सी वाला। अब मेरे पास एक एक्सेल शीट बनी हुई है, उसके अंदर मुझे शीट्स हैं, उसमें सारा मेरे डाटा रखा हुआ है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, इससे मैंने इतना लोड लिया था, इसने मुझे ये रेट किया था। समटाइम मेरे पास, मैं एज अ ब्रोकर काम करता हूँ, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं लोड लेकर, मेरे पास शीट में डाटा पड़ा होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये कंपनी है और ये फोन नंबर है, खुद रेट पता कर लो फोन करके, आपको क्या रेट देते हैं, मुझे क्या रेट देते हैं। जाहिर सी बात है, उसको वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताएगा, मुझे जो है एग्जैक्ट रेट बताएगा, मैं उससे थोड़ी नेगोशिएशन करके थोड़ा कम करवा लूंगा और अच्छे कमीशन के ऊपर मैं काम उसके साथ स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब आपको क्लाइंट्स खुद फाइंड करने होते हैं, ड्राइवर्स जो हैं वो आपके पास हैं, शिपर आपके पास हैं, ट्रक वाले आपके पास हैं, कंपनी वाले आपके पास हैं, आपने खुद से फाइंड करना है। क्लाइंट्स हैं वो थोड़े आपको फाइंड करने में मसला आएगा, उसका मसला नहीं है, लेकिन उसका भी मैं आपको समझा दूंगा क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं आपको। अब देखो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना सिटी लिखना है, स्टेट लिखनी है, उसके बाद आपने जो है ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा है कॉमर्स के, आप यहाँ पर जस्ट अपना स्टेट और सिटी भी लिख दो, काफी है, ठीक है। बाकी मजीद आप कॉल पे उसको सेट आउट करवा सकते हो, डेस्टिनेशन क्या है आपका। अब सपोज कर लो मैं यहाँ पर एक फेक जो एड्रेस पुट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट मैंने सिटी का नाम लिखा और वो आगे आ गया। अच्छा, इक्विपमेंट आप वैन सर्च करना चाह रहे हो वो आप खुद से यहाँ पर लिख सकते हो, डेट भी आप कर सकते हो। अब लोड का आपको कैसे बताते हैं वो,
आज फिलहाल कोई लोड नहीं, आप यहां से थोड़ा आगे चले जाओ। वी कुड नॉट फाइंड एनी मैचेस। खैर यहां पर अभी डाटा वो दिखा नहीं रहा, आप जब रिसर्च करोगे आपको आईडिया हो जाएगा। इसी तरह से दिखाते हैं जैसे वहां पर ट्रक्स का आपको डाटा दिखाया उन्होंने, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रकर एज की तरफ। ट्रकर एज क्या है? वो भी डैट का एक टूल है, ठीक है। आप डैट वन के ऊपर भी काम कर सकते हो, आप ट्रकर एज के ऊपर भी काम कर सकते हो, ठीक है। दोनों के ऊपर तकरीबन वर्किंग जो है वो सेम है दोनों के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सर्च ट्रक थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन काम तकरीबन सेम है। आपके पास दोनों की एक्सेस होना जरूरी है। समटाइम वहां पर आपको अच्छा रेट नहीं मिलता, यहाँ पर मिल जाता है। समटाइम वहां पर आपको अपने हिसाब से नहीं मिलता तो यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। ये जस्ट एक ट्यूटोरियल है, ट्रेलर अभी बाकी है, मतलब कि एक क्या कहते हैं, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। खैर मुझे भी सही तरह से वो डायलॉग नहीं आते, मैंने बस बोल दिया, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये चीज समझ नहीं है ना, तो इसके लिए आपको तकरीबन अच्छा खासा टाइम चाहिए। अब सम टाइम इतने ज्यादा सवाल होते हैं मेरी, यानी कि अपने जो जो लोड बुक करता हूँ मैं, कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। आपको ये चीज सीखनी है, उसके लिए मैं एक डेट खुद से सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं इसका जो पेड कोर्स है कब लॉन्च करूंगा और मैं आपको कब अवेलेबल होऊंगा उसके लिए इंशाल्लाह मैं। लेकिन उससे पहले मैं एक फ्री कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको समझो, आप देखो, आपको आइडिया हो कैसे ट्रैकिंग होती है, प्री डिस्पैचिंग कैसे होती है और आप कैसे काम करते हो। लेकिन एडवांस जो कोर्स है, काफी सारे लोगों की मैसेजेस आए हैं मुझे, कॉल नहीं सामा भाई एडवांस कोर्स लेकर आओ, हम 20 पे करने के लिए तैयार हैं। खैर उसके लिए मैं कोई डेट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे जाना है उमरे पे, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक सूटेबल डेट आपके लिए सिलेक्ट कर लूँ। उसके बाद फिर हम लोग ट्रैकिंग का पूरा एक कोर्स लॉन्च करेंगे, लेकिन उसकी फीस भी ठीक ठाक होगी, ये 15-20 हज़ार नहीं होगी कोई, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके लिए काफी दिमाग और काफी टाइम चाहिए, और ये तकरीबन कोई 15-20 दिन का कोर्स नहीं होगा, और ये कोर्स होगा तकरीबन कोई 1.5-2 महीने का कोर्स होगा, जिसमें अब ये एक नई टर्म है, नया कोर्स है, पाकिस्तानी लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना मुझे भी पता है थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा एडवांस कोर्स के लिए आपको डेट बता दूं। लेकिन उससे पहले पब्लिक डिमांड के ऊपर मैं फ्री कोर्स लॉन्च करना चाह रहा हूँ, और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें मैंने आपको ट्यूटोरियल के बारे में बताया, ट्यूटोरियल क्या है, किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, डैशबोर्ड कैसे यूज कर सकते हैं, और हमें आपको जस्ट एक जनरल आइडिया देने के लिए, आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं जस्ट फॉर जनरल आइडिया, कोई मिस्टेक वगैरह होगी हो, कोई सवाल जवाब आ रहा हो माइंड में, घबराना नहीं है आपने, जस्ट फॉर जनरल आइडिया, ठीक है। मेरी इंग्लिश भी थोड़ी सी वीक है, अगर कहीं पे कोई मिस्टेक वगैरह होगी हो उसके लिए माजरत पहले। अच्छा काफी सारे लोग मेरे से कह रहे हैं सामा भाई ये पेड कोर्स, ये कंसल्टेंसी क्या चीज है, उसके बारे में आपको बता दूं कि मैं अमेजोन के बेहतरीन कोर्स मॉडल्स लॉन्च कर चुका हूँ। अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, अमेजोन 3PL डिस्पैचिंग, FBM ड्रॉप शिपिंग जिसे हम कहते हैं, और उसके अलावा अमेजोन अकाउंट सस्पेंशन, तीन कोर्सेज बेहतरीन वे में, जो कि सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं यूज करके क्रिएट कर चुका हूँ। काफी सारे लोग कहते हैं हमें आपसे सीखना है एडवांस लेवल का, जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपके पास है हमने आपसे सीखनी है, उसका क्या वे है। मैंने ऑलरेडी कोर्सेज बना दी हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने ऑनलाइन आर्बिट्राज का कोर्स कंप्लीट करवाया है, जिसमें सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई हैं आपको, हंटिंग सोर्सिंग सस्ते से सस्ते वे में कैसे करनी है, और लिस्टिंग करते हुए आपको किन बातों का ख्याल रखना है। वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी ऐड कर दिया गया है, तकरीबन बस कोई 4-5 वीडियोस रहती हैं, वो भी मैं इसमें अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में। खैर ये कंप्लीट हो चुका है, और WFS का मैं अलग फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पर, वालमार्ट WFS, ये पेड है ड्राइव, ये फ्री नहीं है, सॉरी। अच्छा आर्बिट्राज में आपको क्या कुछ मिल जाता है, करीबन 15 से 16 घंटों का ये कोर्स है, इसमें सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बता चुका हूँ, मजीद इसे हर वीक जो भी अपडेट आती है इसमें मैं कर देता हूँ, ठीक है। और 1 मिनट इसे ओपन होने तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको मिलेगा कैसे उसका भी तरीका आपको बताता हूँ, ये या आप लेक्चर्स वगैरह देख सकते हो यहाँ पर। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का, तकरीबन कोई 22 to 23 आवर्स का ये कोर्स है, और उसके अलावा अमेजोन पे अगर आपका अकाउंट किसी भी केस में बंद कर दिया गया है उसे कैसे ओपन करना है, वो भी सारा कुछ इसमें मैंने बताया, विद टेम्पलेट्स, अपील्स एंड टेम्पलेट्स, और
इसमें मजीद जितने भी कोर्सेज आएंगे इसी ड्राइव में अपडेट होते रहेंगे। अभी ये आपको मिल जाएगी 10K की। आजकल WFS जो कि फुलफिलमेंट बाय वालमार्ट है, जैसे कि FBA है, उसके कोर्स की बड़ी ज्यादा डिमांड है। बहुत सारे लोगों ने कहा वो आप ऐड करो, तो वो मैं क्रिएट करूँ। जब वो ऐड हो जाएगा तब ये आपको 15 से 20 हज़ार की मिलेगी। ये गूगल ड्राइव, ये लाइफ टाइम एक्सेस है आपके पास, आप डाउनलोड करके अपने पास रख लो, ठीक है। और उसके अलावा आपको मिलेगा कैसे, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल नहीं करनी, जस्ट आप मैसेज कर सकते हो मुझे कि उसामा भाई मुझे कोर्सेज की डिटेल चाहिए, मेरी टीम आपसे जल्द इन कॉन्टेक्ट होगी, 5 से 10 मिनट या 30 मिनट के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है। 10K में आपको मिलेगा, आप पेमेंट करोगे, अपना जीमेल अकाउंट दोगे, उसके ऊपर पूरी गूगल ड्राइव आपको शेयर कर दी जाएगी। बाकी कोई भी सवाल जवाब हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, कोई सजेशन देनी हो भाई, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि उसामा भाई इसकी समझ नहीं है, इसके ऊपर आप वीडियो बनाने का सोचें, सजेशन दें आप मुझे, इंशाल्लाह मैं जरूर टाइम निकाल के आपके लिए बनाऊंगा। और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं खुद भी बहुत ज्यादा बिजी होता हूँ, खैर मैं बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, बहुत सारे लोगों की पब्लिक डिमांड के ऊपर मैं टाइम निकालता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, कोई ना कोई सबके जारी तौर पर यूट्यूब पे और इधर उधर प्लेटफॉर्म्स पे डाल देता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसका ये मतलब नहीं कि मैं खुद बिजनेस नहीं कर रहा, अलहमदुल्ला काफी सारे दोस्त कहते हैं व्यूज लेने के चक्कर में, सब्सक्राइबर लेने के चक्कर में, यार आप ना करो सब्सक्राइब, व्यूज के चक्कर में मुझे कोई महीने का $200-300 आता है मुझे यूट्यूब से, इतना अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1-2 दिन में बना लेता हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक है। खैर अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टन्स ऑफ लव, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा।